तो कुछ लोगों की परसेप्शन होती है नहीं मुस्लिम है यार फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए, बट मेरे लिए ऐसा नहीं है। मैं सबसे फ्रेंडशिप करती हूँ, मुझे मुस्लिम लोग अच्छे भी लगते हैं। जो हिंदू रिलीजन है उसमें बैन होती हैं तो, बट मतलब जो मोमडन्स होते हैं, मैंने मतलब ये फैक्ट है और मैंने ये लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, तो बंदा जो होता है ना वो साफ बोलता है कि सर ये है, इफ़ यू आर ओके देन इट बी ओके, आप खाना चाहो तभी खाओ। हाय गाइस, आई मनीष अरोड़ा हियर और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारा मैड डे विद मनीष चैनल की सीरीज में। तो गाइस आज हम दिल्ली के लोगों से बात करेंगे अबाउट यार मुस्लिम पीपल के बारे में, कि दिल्ली के लोग क्या सोचते हैं अबाउट मुस्लिम पीपल के बारे में और क्या लगती है उनको स्पेशल क्वालिटी। यार जब आप ये वर्ड सुनते हो मुस्लिम पीपल तो माइंड में क्या आता है? यार मैं कास्टिज्म और रिलीजन में मैं बिलीव नहीं करती, आई डोंट बिलीव, क्योंकि मेरे लिए सारे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन हैं। बट अगर मैं मुस्लिम लोगों के बारे में सुन रही हूँ तो कुछ लोगों की परसेप्शन होती है नहीं मुस्लिम है यार फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए, बट मेरे लिए ऐसा नहीं है। मैं सबसे फ्रेंडशिप करती हूँ, मुझे मुस्लिम लोग अच्छे भी लगते हैं और आई थिंक पाँच उंगलियाँ बराबर नहीं होती अकॉर्डिंग टू मी, तो लोग अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, बट मैं मेरा ये नज़रिया कि मैं सामने वाले में अच्छा ही देखती हूँ। अलग अलग रीज़न है, जैसे हम जाते हैं कहीं मंदिर जाते हैं तो हम एक पर सर पे रुमाल बांध लेते हैं, उनमें कैप होती है तो वो कैप पहन लेते हैं, बट हाँ अच्छे होते हैं वो लोग। स्पेशली जब उनके मैं घर पे जाता हूँ, मेरे फ्रेंड है आजीद है उनके घर पे मेरे को जाना है, वो ऐसे पकड़ के ऐसे बैठाते हैं, खाओ भाई खाओ, इतने प्यार से वो करते हैं, लेकिन हाँ अच्छे लोग हैं यार, केयर करते हैं। हाँ मतलब उनका ड्रेसिंग सेंस, मतलब वो मोस्ट ऑफ द टाइम इंडियन वेयर्स होती है, जो गर्ल्स होते हैं उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होता है, उनकी ज्वेलरी वगैरह, तो वो सब अच्छा है मुस्लिम लोगों के बारे में, अच्छा लगता है। हाँ जी, और उनका फूड भी, स्पेशली फूड में बता सकते हैं? फूड में स्वीट्स में जैसे सेवियाँ शहरी वो होता है ना जैसे, हाँ मुस्लिम्स को देखते हैं तो हमें याद आता है कुर्ते टोपी और अलग सा ही लगता है, मतलब मुस्लिम्स हैं उनका रहना सहना और सबसे ईद ईद याद आती है, ईद याद आती है और सबसे बड़ी बात उनकी दाढ़ी, दाढ़ी क्या खानी, सीरियसली बिरयानी। मतलब मेरा जो फ्रेंड है, मेरे काफ़ी फ्रेंड रहे हैं मोमडन्स तो हैं अभी भी, तो बेसिकली जो बेस्ट बिरयानी होती है, तो इवन आई मैंने जो कभी नॉनवेज जब ट्राई किया, धीरज जोशी, धीरज जोशी जी पूरी बिरयानी खा के जाएंगे मोमडन भाई जो भी फ्रेंड हाँ उनका थोड़ा सा वे ऑफ क्लोदिंग अलग होता है, लुक्स उनके थोड़े अलग होते हैं, अब वो उनका रिलीजन एक फैक्ट है कि वो उस तरीके से रहते हैं, और जैसे उनके कुछ वर्ड्स हैं और खासकर उर्दू, आई लव उर्दू, हालांकि मुझे आती नहीं है बट जोशी जी है ना तो उर्दू हम फिर करवाएंगे आती नहीं है बट हाँ मतलब मैंने सुनी है कई बार लोगों को बोलते हुए बातचीत करते हुए, तो लगता है जैसे आप संस्कृत को सुने तो लगता है कि अलग सही वो लगता है, बढ़िया लगता है, तो सेम वैसे ही उर्दू सुनने में भी हाँ एक अच्छी लैंग्वेज है और लोग ईगर हैं इस चीज़ को जानने के लिए भी। और हाँ मुस्लिम वर्ड से एक चीज़ और है, सऊदी याद आता है मुझे, सऊदी दुबई। एनी स्पेशल क्वालिटी अबाउट मुस्लिम पीपल? फर्स्ट ऑफ ऑल उनका वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा होता है, वो लोग बहुत मैनर्स के साथ बात करते हैं, एटलीस्ट छोटे छोटे बच्चों से वो लोग आप करके बात करते हैं, तो वो चीज़ मुझे बहुत पसंद है उन लोगों की। हाँ जी, तुम्हारे फ्रेंड कैसे बात करते हैं? वो तो फ्रेंड्स है ना, उनसे उनका जोड़ो भाई, जब फ्रेंड्स की बात आए तो लड़की कैसे रोक सकती है अपने आप को, समझ नहीं आ रहा, बट अब आया मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम लोग ना मतलब बहुत अपनापन दिखाते हैं, अपनापन दिखाते हैं। हाँ, इफ़ यू वांट आई कैन शेयर माय वन एक्सपीरियंस विद यू, मैं आई एम वर्किंग इन एरिक्सन, सो मेरी एक ऑफिस कलीग है, शी इज़ ऑल्सो मुस्लिम, हर नेम इज़ इरम। सो हुआ ये था कि आई वॉज नॉट वेल और मेरे ऑफिस में और भी कलीग से वो कोई भी नहीं आया पूछने के लिए कि ज्योति आर यू फाइन और नॉट, वो बंदी आई है, उस बंदी ने कैब भी मेरे लिए बुक की है, तो आई रियली लाइक दैट। एंड कुछ भी खाना पीना होता है वो मुझसे पूछती है कि तुम्हें ये खाना है या नहीं खाना है, एंड सबसे मेन अच्छी बात मुझे उनके यहाँ लगती है कि वो लोग जब बोलते हैं ना वो बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं, बहुत स्वीटली बात करते हैं, कभी वो तू करके बात नहीं करते, हमेशा तुम या आप करके ही बात करते हैं। स्पेशल बात ये लगती है यार, बहुत सपोर्टिव होते हैं और कुछ भी बात हो जाए, कभी आप यहाँ जाते हो कभी वहाँ जाते हो, हमेशा साथ में रहते हैं और सबके साथ एकदम घुल मिल के रहते हैं, वो खुद ही मानते हैं कि यार अगर हम सब साथ में मिल के चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ये कास्ट सिस्टम ये सब बेकार की बातें हैं, अगर आप मानो तो आपके भाई हैं, अगर आप ना मानो तो वो कुछ भी है। जैसे अपने मंदिर वगैरह होते हैं तो वहाँ आप अपने पॉल्यूशन वगैरह पॉपू देखते हैं, मतलब गंदगी माला वाला रहती है वगैरह, हाँ तो दरगाह जो रहती है उनकी मतलब साफ़ सुथरी रहती है, वहाँ आप आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हो, वहाँ पे आपको बैठने का मन भी करता है जो रात में, बट अपने यहाँ मंदिर में ये सब कचरा वगैरह वहीं फेंक देते हैं। बंदा जो होता है ना वो साफ बोलता है कि सर ये है, इफ़ यू आर ओके देन इट बी ओके, आप खाना चाहो तभी खाओ, हाँ वरना नहीं।
मतलब काफी अच्छा है वो मुस्लिम पीपल के बारे में। तो दिल्ली के लोगों ने तो बता दिया है वो उनको कैसे लगते हैं और कैसे नहीं और क्या लगती है उनको स्पेशल क्वालिटी। और गाइस आपको जो लगती है हमें कमेंट करके जरूर बताओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। मैडनेस विद मनीष। और गाइस आप मुझे फॉलो कर सकते हो फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे ही दिया आपको। थैंक यू सो मच गाइस, टेक।